मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीठे नीम का पौधा, जिसे कि हम करी लीव्स प्लांट भी कहते हैं, आप घर पर कैसे लगा सकते हैं। ये मीठे नीम के बीज हैं दोस्तों। शायद आप लोगों ने इसके पहले मीठे नीम के बीज नहीं देखे होंगे, क्योंकि सबके घर पर मीठे नीम का जो बीज है दोस्तों, इसे उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो शायद नहीं देखा होगा आपने। मेरे यहाँ इसका बहुत बड़ा पेड़ लगा है दोस्तों, हर साल इसके बीज आते हैं। और जब इसके बीज पक जाते हैं, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल गहरे लाल रंग के हैं, इन बीजों से हम लगाएंगे मीठे नीम का पौधा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से बीजों को कलेक्ट करके रख लेती हूँ कि कभी किसी को चाहिए तब मैं इसे दे देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मीठे नीम के पौधे की सबको ज़रूरत होती है। करी लीव्स का पौधा वैसे भी हमें घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। कोई सा भी गमला ले दोस्तों, मैंने तो 2 से 3 गमले तैयार कर लिए हैं, मिट्टी के 2 गमले और तैयार किए हैं ताकि मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा सीडलिंग कर सकूं और इसे जिसे ज़रूरत है उसे मैं दे सकूं। तो इसी तरह से मैं इसके बीजे डालती हूं। आप देख सकते हैं, मैंने जब बीज इसके पक जाएं तभी आपको इसे पेड़ से तोड़ना है, कच्चे बीजों को नहीं लगाना है, नहीं तो आपके पौधे अच्छे से बढ़ेंगे नहीं। तो सभी बीजों को किसी भी गमले में डालिए, कैसा भी पॉटिंग मिक्सचर लें, बहुत आसानी से रेनी सीजन में करी लीव्स का प्लांट हम लगा सकते हैं। तो सभी बीजों को डाला, थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से इसे अंदर मिट्टी के अंदर प्रेस कर रही हूँ दोस्तों, ताकि अच्छी तरह से ये मिट्टी के अंदर थोड़े से चले जाएँ और हवा के प्रेशर से इधर उधर उगने ना पाएँ। ये देखें, अभी 4 से 5 दिन तक किसी भी बीजों को लगाने के बाद आप सनलाइट में ना रखें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आप सोच रहे हैं अरे गमला तो दूसरा है, मैंने इसी तरह से 2 से 3 गमलों में इसे लगा लिया है ताकि थोड़े पौधे पनप जाएं, बढ़ जाएं, ताकि मैं किसी को इसका पौधा दे सकूँ, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है दोस्तों। और मीठे नीम का पौधा तो ज़्यादातर सभी घर पर लगाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ सीड्स आपको भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें से सिर्फ 2 पत्तियां ही निकली हैं। ऐसा होता है दोस्तों, कई बीज जो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं उन्हें उगने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो बीज ऊपर ऊपर थे वो जल्दी से जर्मिनेट हो गए और उनमें से जल्दी से बेबी प्लांट आ गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर मीठे नीम का पौधा जरूर लगाएं दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। समय समय पर इसकी केयर करें। आप देख रहे हैं मैंने इसमें डाला है अभी वर्मी कंपोस्ट। खाद डालने के बाद आपको हल्की सी इसकी गुड़ाई करना है ताकि जो खाद के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट पौधों की जड़ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब पौधे बढ़ रहे हैं, बढ़िया अच्छा डायरेक्ट सनलाइट में रखें। और मेरे कहने से अभी बारिश के मौसम में आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं दोस्तों। आप चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, या आपके घर के आसपास कहीं भी मीठे नीम का पेड़ होगा तो अभी आपको बीज मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बीजों के आने का पकने का समय बस यही रहता है, जुलाई में ही इसके बीज आते हैं, जून जुलाई से इसके सीड्स आने लगते हैं। खैर, मैंने इसे 1 मंथ पहले लगा लिया था दोस्तों, अब मेरा पौधा इतना बड़ा हुआ है। तो इस तरह से 2 से 3 गमले मैंने तैयार किए हैं और बाकी गमलों की मैं रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई हूं दोस्तों, गलती से वो वीडियो मेरे पानी में ही रह गए थे बाहर, तो तेज़ बारिश के कारण मेरे कई जो गमले हैं, 3-4 गमले तैयार किए थे वो आपको नहीं दिखा पा रही हूं। आप भी इस तरह से बहुत आसानी से मीठे नीम के बीजों से मीठे नीम का पौधा लगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसके पहले जो मैंने लगाया था ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसे लगे हुए कम से कम मेरे यहाँ 2 से 3 महीना हो गया है। जब भी ज़रूरत होती है मैं ऊपर ऊपर से इसकी पत्तियों को तोड़ लेती हूँ, और मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी होती हैं इसकी पत्तियाँ। खाने के साथ साथ सौंदर्य में भी इसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है। जब हम करी लीव्स का तेल लगाते हैं बालों में दोस्तों, तेल में उबाल लें आप इसकी कुछ पत्तियों को, बालों में लगाएं, आप देखेंगे बालों में बहुत अच्छा कालापन आता है, बालों का झड़ना भी रुकता है। खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही पौष्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, और इसका पौधा आप लोग ज़रूर लगाएँ, चाहे तो कटिंग से लगाएँ, आप बीजों से लगाएँ, बीजों से भी बहुत आसानी से लग जाता है। और इस तरह से समय समय पर केयर करें, 15 दिन 20 दिन में एक बार कोई भी खाद ज़रूर डालें ताकि इसकी पत्तियों का साइज अच्छा हो, हमारा पौधा हेल्दी रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ
मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।